सो हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अदर न्यू वीडियो। तो भाई आज अपने पास है रॉयल एनफील्ड की स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड थोड़ी यूनिक स्टैंडर्ड है, आप इसको ऑलमोस्ट ओनली वन इन राजस्थान बोल सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन हो रखी है जो कि इजीली आपको किसी भी स्टैंडर्ड में देखने के लिए नहीं मिलेंगी। सबसे पहले जो अपन स्टार्ट करते हैं वो करते हैं अपनी की से। तो वही सिंपल बेसिक की मिलती है और इसमें आपको इधर आर ई का लोगो कुछ अलग मिल रहा है देखने को, और बेसिकली जितनी बाइकों में देखोगे थोड़ा अलग लोगो आता है। तो अपन बात करते हैं इसके सबसे पहले मीटर की। तो भाई आगे जाते हैं और की को इंसर्ट करते हैं और ये ऑन करते हैं। तो सबसे पहले जो ये चीज़ है, इसमें आपको LED दिख रही होगी, जबकि इसमें हेलोजन बल्ब आते हैं, इसमें अपने LED लगवा रखी है। और फ्रंट फेस पे अगर आएँ तो फ्रंट फेस पे इसमें भी दोनों तरफ जो पार्किंग लाइट्स है उसमें LED लग रखी है, और अंदर के जो हेडलाइट के अंदर जो पार्किंग लाइट्स आती है उसमें LED लग रखी है। मतलब इसमें इतना ज्यादा काम हो रखा है, बेसिकली भर भर के मॉडिफाई हो रखी है, भर भर के मॉडिफिकेशन हो रखी है। जैसे कि आप पीछे की लाइट को देख सकते हो कितनी ज्यादा ये ब्लिंकर आता है, एक तरीके का लाइट का ब्लिंकर आता है वो इसमें डाला हुआ है। पीछे की नंबर प्लेट पूरी ज्यादा मॉडिफाई है। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं इसमें हजार्ड की, जो कि हजार्ड इसमें स्विच ना लगा रखा है। तो हजार्ड ऑन करते हैं अपन। पीछे देखो भाई इतने ज्यादा पैटर्न है ना, इसमें इतने ज्यादा पैटर्न भरे हुए हैं, और ये अभी तो थोड़ा सा दिन सा हो रखा है, मतलब शाम हो रखी है, तो इतना ज्यादा प्रॉपर आपको दिख नहीं पाएगा। रात को अगर मैं कोई क्लिप हुई तो मेरे पास, मैं आपको क्लिप डाल दूंगा भाई से लेके। रात को इन हजार की लाइट देखोगे ना एक नंबर आती है, और आपको देख रहे होंगे ये जो इंडिकेटर्स हैं वो अलग हैं। ये हिमालयन के इसमें इंडिकेटर फिट करे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो हिमालयन के इसमें इंडिकेटर फिट किए हुए हैं। तो भाई आगे से अब आप देख लो जो इसकी नंबर प्लेट है वो, हालांकि ये इलीगल है बट भाई लुक्स के लिए ना कुछ भी करना होता है, तो वो लुक्स के लिए जो मैटर करती है। और सेकंड थिंग आप बात करोगे ना, मतलब इसकी जो आप अलॉय व्हील्स देखोगे तो इसमें अलॉय व्हील्स तो नहीं है, अपनी स्पोक्स व्हील्स हैं। स्पोक व्हील्स आपको कुछ अलग दिख रहे होंगे, स्पोक व्हील्स कैसे अलग दिख रहे हैं ये आप देखो, थोड़ी सी गंदी हो रही है माइंड मत करना। मतलब इसके स्पोक्स व्हील्स है ना वो ब्लैक कलर के हैं, और इसके ये तान जो है वो सिल्वर कलर के हैं जी। आप मान लो जो अब जो बाइकें आ रही है ना उनमें ये सब सीन था, बट स्टैंडर्ड में ऐसा कोई भी कलर नहीं आता। बट इसमें अलग दूसरी बाइक की गाड़ी की जो थी अपनी रिम्स, वो हमने इंस्टॉल करी है इसमें, तो बहुत ज़्यादा सही लग रही है, इससे बहुत ज़्यादा लुक आ रहा है। रूट्स के आपके इसमें हॉर्न दिख जाते हैं, जैसे मैं बजा के दिखा देता हूँ, ईयरफोन्स लगा लेना आपको पता चल जाएगा क्या इसकी आवाज़ है, क्योंकि आप वैसे कैमरा जज नहीं कर पाता है कितनी आवाज़ आती है कितनी आवाज़ नहीं आती है। अब जो इसकी सबसे अलग और सबसे बेस्ट पार्ट है ना इस बाइक का, वो लगता है मेरे को ये ईगल, ये जो ईगल है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट है इस बाइक का, क्योंकि टैंक पे ईगल देखते हो ना भाई, ये बहुत ही एक नंबर लगती है। आपने रील्स वगैरह में देखा होगा काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, मतलब एक अलग लेवल की लुक निकल के आती है इस ईगल से। तो भाई ये बहुत ज़्यादा सही लगती है, और भाई इसमें जितनी मॉडिफिकेशन हो सकती है ना बेसिकली वो रखी है। अब आप एक्स्ट्रा करवा लो वो ज़्यादा ठीक नहीं लगती। अपने यहाँ पे मोबाइल होल्डर लगा हुआ है जो कि बेसिकली सब में यूज़ होता है, और ये यूज़फुल है क्योंकि भाई जब रात में चलते हैं तो जरूरी रहता है, फ़ोन वगैरह GPS वगैरह आप लगाएं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहता है, बहुत सफिशिएंट रहता है, और बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल मान लो आप इसको, क्योंकि आप लॉन्ग राइड वगैरह पर जाते तो बार बार फ़ोन ही लगा सकते, तो मोबाइल होल्डर लगाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। और अब इसमें बात करते हैं कि ये बाइक कौन सी है। तो भाई ये बाइक जो है वो BS3 मॉडल है, BS3 ना कि BS6। BS3 का कैसे पता चलेगा, तो आप देख सकते हो इसमें O2 सेंसर का नहीं है, किधर भी नहीं है इसमें O2 सेंसर, बैंड पाइप बिल्कुल क्लियर है, तो ये BS3 मॉडल। और अगर एक चीज़ दिखाऊं तो ये हेडलाइट का, ये जो आता था ये BS3 में आता था, BS4 में ना BS6 में किसी में नहीं आता था। तो हेडलाइट देखो आप इसमें, वो भी इसमें LED डली हुई है, जो इसका फोकस देख रहे हो भाई इतना ज़्यादा, क्योंकि मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर रखी है फ़ोन की तब इतना फोकस कर रहा है ये, कि बहुत ज़्यादा वो लग रही है, बहुत ज़्यादा हाई बीम दे रही है ये, और ये अपना इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। तो भाई ये बहुत ज़्यादा लाइट देती है, और मतलब जितनी मॉडिफिकेशन करे जाए ना उतनी ज़्यादा कम है। अब आप सभी का क्वेश्चन होगा कि ये सारी मॉडिफिकेशन किधर से करवाई किधर से नहीं करवाई, तो भाई अपनी शॉप है राणा बुलेट हाउस नाम से, आप वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। जितनी भी इस बाइक में मॉडिफिकेशन हुई हैं ये सभी उसी शॉप पर जाके हुई हैं, तो आपको अगर इंटरेस्टेड हो, आप मेरा कोई भी भाई इंटरेस्टेड है तो वहाँ जा सकता है, मैं कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगा, आप भाई से फ़ोन करके पूछ सकते हो क्या करवाना चाहिए क्या नहीं करवाना चाहिए, वो सारी स्पेसिफिकेशन सारी डिटेल आपको दे देंगे। तो भाई बस यही थी। अब लास्ट ऑप्शन रह जाता है इसका आवाज़, तो आवाज़ सुनाना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जो बेसिकली अपनी बुलेट है वो आवाज़ के मामले से ही जानी जाती है, तो आवाज़ सुनाना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अभी मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ इन 3, 2, 1। ये इसकी आइडल की आवाज़ है, और आइडल की आवाज़ सुन सकते हो आप, किसी भी ट्रैफिक लाइट पे जाके खड़े होंगे तो इतनी ज़्यादा साउंड नहीं करेगी। जो एक भद्दी आवाज़ जो आती है ना वो आपको सुनने को बिल्कुल नहीं मिलेगी, मैं साइड से और सुनाता हूँ। अब ये आवाज़ आपको जस्टिस होगी ईयरफोन्स में, अगर आप ईयरफोन्स लगाओगे तो आपको प्रॉपर आवाज़ जस्टिस हो जाएगी, कितना साउंड कर रही है कितना नहीं कर रही है। अब थोड़ा रैप करके दिखाते हैं भाई, थोड़ा रैप करके दिखाओ। बस भाई ये आवाज़
आवाज आपको सुनने के लिए मिलेगी, ओनली ऑन ईयरफोन्स में आप जस्टिस कर पाओगे कि कितनी इसमें आवाज आ रही है कितनी आवाज नहीं आ रही। और ये अपने भाई हैं जिनकी बाइक है, भाई का नाम है हर्षित, भाई का नाम है हर्षित मीना। और मैंने आपको बताया था भाई ने पीछे अपना ब्रांड भी लगवा रखा है, जैसे कि बताया मैंने आपको भाई हर्षित मीना है तो मीना का ब्रांड भी लगवा रखा है। तो भाई ये अपनी अपनी वो है, आप प्रमोट करते हैं वो अच्छी बात है। तो बेसिकली यही थी कुछ आज की वीडियो, आई होप सो गाइस आपकी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो बताओ क्या करना है, लाइक शेयर कमेंट, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय, पीस आउट।